उसुना चाउल को नहीं राजनीति बीजेपी और केंद्र सरकार को टार्गेट कला बीजेडी कहला खरीफ सीजन रे 50% चाउल संग्रह पाई केंद्र लिखि चिट्ठी ओडिशा पाई चड़क भुआ बुलाउछि बीजेपी मंडी रे पड़ी लक्षाधिक टंकार धान पद्मपुर उपखंडर 70टी मंडी रे धान बिक्री होई पारु नथिबारु चाषी को मध्य रे असंतोष धान बस्ता रखी रास्ता अवरोध। दिनकर विरति परे पुणी टीका नेउछि ओडिशा द्वितीय दिन में 31,902 जन को टीकाकरण पर लक्ष्य आज 25 मध्य लक्षे 78,000 स्वास्थ्यकर्मी को दिजाव वैक्सीन वरिष्ठ डाक्तर कहले टीका नेबाई भयभीत होवार आवश्यकता नहीं। केन्दुझर में गाड़ी उपरकू आक्रमण घटन में बीजेपी को टार्गेट कले पीसीसी सभापति आक्रमण पछरे बीजेपी युवमोर्चार हाथ थिबा अभियोग कले निरंजन बीजेपी कहला राजनीतिकरण करुछंती निरंजन सेपटे जनक अटक रखी पुलिसर पचरा उचरा। सुप्रीमकोर्ट रे चाषी आंदोलन 26 ट्राक्टर रैली नहीं बुधवार को घुंचिला सुनानी कोर्ट कहले पुलिसर अनुमति रे रामलीला मैदान रे करि परिबे प्रदर्शन शहर को केते लोक आसीबे एवं केमिति आसीबे से निष्पत्ति नेबो पुलिस। कोविड कटकणा भितर आज खोलिला घटगां तारिणी मंदिर श्रद्धालुंक पई नुआ नियम जारी मास्क पिंधिबा सानिटाइज बाध्यतामूलक थरकरे दर्शन करिपारिबे 25 ରୁ 30 भक्त मंदिर भितरक भोग धूपदीप पुष्प नेबा मना। उसुना चाउल संग्रह को नहीं बीजेपी और केंद्र सरकार को टार्गेट करछि बीजेडी दल कहिछि केंद्र चिट्ठी लिखिछि केवल खरीफ सीजन रे 50% चाउल संग्रह करिवे रबी सीजन पाई किछि करिवे नाही ओडिशा पाई एक चड़क अटे 2019-2020 खरीफ 53 रबी रे 70 लाख टन उत्पादन होइथिला वर्तमान 48 मेट्रिक टन पारा बॉइल्ड राइस रहिछि 2020-21 35 लाख टन रो धान संग्रह होई सारलाणी मोट 82 लाख मेट्रिक टन टार्गेट रहिछि सेप्टेम्बर 2020 सुधा 2850 कोटी मिलवा कथा किंतु ए जाय देइनि केंद्र मोट बकया 6550 कोटी रहिछि बीजेपी लोकन को भुआ बुलाउछि चाषी पाई किछि करिबार अछि तेबे स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट लागू हेउ बोली दाबी करछि बीजेडी। पंचावन लाख आम कही पार्टी पाराबॉइल्ड राइस एवं 55 लाख पाराबॉइल्ड राइस रु 24 लाख आम निजर कंजप्शन रही आगु कही एना बाकी जो 71 लाख मेट्रिक टन रहीगला से कहते आम खाली 50% केंद्र सरकार कहे आम ताकू नबू ताने खाली 10 लाख मेट्रिक टन से नापी चिंता करुँच 10 लाख मेट्रिक टन ने आम पाखे आउ 21 लाख मेट्रिक टन ओडिशा सरकार पाखे रही जदि 21 लाख मेट्रिक टन रही आज तार इम्प्लिकेसन मोटामोटी 7,350 कोटी तो 10,000 कोटी पर्यंत तार फाइनेंशियल इम्प्लिकेसन रही या आमर गोटे प्रकार जो भाई यही कोरोना समय रे एटा कटा घारे चून भाया व्यवस्था केंद्र सरकार करुँच या सहित आउ गोटे आमर समस्या रही आज जो ओडिशा स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन आमर ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन हूँ आमर केंद्र सरकार पई गोटे प्रकार प्रोक्योरमेंट एजेन्सी भाव में काम करी था आउ आमे आमको सब्सिडी एडवांस सब्सिडी मिली था केंद्र सरकार रु ये धान प्रोक्योरमेंट करने किंतु दुर्भाग्यर विषय है आमको जोटा कि मिलवार थिला माने आज सेप्टेम्बर 2020 सुधा मिल जावा कथा 28,050 कोटी मोटामोटी आमको मिल हाँ 2850 कोटी 2850 कोटी मिल जावा कथा एपर्यंत आमको मिली नहीं। सेपटे धान किणारे अव्यवस्था को नहीं राजरास्तारे चाषी रास्तार धान बस्ता और हाथ में विष बोतल धरी प्रतिवाद करुछंती पद्मपुर चाषी पद्मपुर उपखंड 70 गोटी मंडी रे प्राय 7 लाख धान पड़ी रही चाषी धान बिकिबा पई आनिथिले मध्य बिक्री होई पारु नाही याको प्रतिवाद करी राजरास्ता को ओल्हाइछंती चाषी चाग नथिबा कारणरु शह शह धान बस्ता बिक्री होई पारु नथिबा कहिछि प्रशासन मंडी रे ही अव्यवस्था कारणरु चाषी पद्मपुर बरगड़ राजरास्तार पद्मपुर आंबेडकर छकठारे धान बस्ता पकाई अवरोध करछंती यातायात बाधाप्राप्त होइछि। चाषी आम आमर टोकन पाई आम धान कहीं बिकि नहीं पार्बा प्रशासन इथिर संपूर्ण दायी है बुझल। और आम मसे मसे डेढ़ मास है चाषी दौड़ूँ आईनके आसले टोकन उड़गलान बोलछन टेक नहीं न बोलछन टेक कथा सरकार बुझे कोपन तांकर कोपन उड़ीगला से सरकार दायी है से अफिसर दायी है आम चाषी दायी नहीं से आमर धान अति शीघ्र उठन ना तो इन चाषी सब बीस पीकर आत्महत्या करमु। सरकार आमके भुआ बोलछे अफिसर राजनीति आज चाल करू चाषी जदि ए समाधान जदि नहीं कले आम इन आत्महत्या करमु बीस पीमु इतना नहीं प्रशासन दायी और ये अफिसर मैंने सब दायी और राजनीतिया सब दायी। आमर धान बिक्री जदि नहीं हेबा आउ इन धान जदि नहीं उठला इतना नहीं सरकार दायी है। मका व्यवसायी को हाणी लुटिनेले दुर्वृत्त। नवरंगपुर झरीगाँ में मका व्यवसायी राजेंद्र सिंह यादव को आक्रमण कर लुटि नहीं दुर्वृत्त। चचारू कंग्राहाटू जीवा बाटरे चकलपदर जंगल में तीन जन दुर्वृत्तों द्वारा लुट्र शिकार होते। चचारे कंग्रा बाजार जा रहा था, सीधे टाइम रे बाट रे तीन टाइम लोग गोटे मोटरसाइकिल आइले और आसला रे साइड नले साइड रे का से चलते मोटरसाइकिल का चक्कू मार देले घसरी गले से मुन्ना थला मुन्ना धरले पळाइला। केते कमाथिला 4 लाख कोडी जाउथिलो पंगरा बाजार को। तबे मक्का व्यवसायी को थारु 4 लाख टंका लूट होइतवार अभियोग आसीछि। तबे चचारू कंग्राहाटरू जीवा समय व्यवसायी को थारु लूट होबार कथा कहा जाउछि। नवरंगपुर झरीगाँ रे मक्का व्यवसायी को पाखरो लूट होइतवार जहा खबर आसुछि एवं तीन जन दुर्वृत्त आसी लूट करथवार कथा मध्य कहा जाउछि। चचारू कंग्राहाट को जीवा समय व्यवसायी राजेंद्र सिंह को थारु 4 लाख टंकार लूट होइतवार सूचना आसी पहुंचुछि। तबे खबर उपरे नजर पकाइबा जे 4 लाख टंका लूट नहीं तीन जन दुर्वृत्त। तबे हाट को जीवा समय व्यवसायी राजेंद्र सिंह यादव को ठारू लूट होइथिबार सूचना आसीछि। केन्दुझर गाड़ी उपरे आक्रमण घटना को नहीं बीजेपी को टार्गेट करछंती पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक। आक्रमण पछरे बीजेपी युवा मोर्चार हाथ थिबा निरंजन अभियोग करछंती। एने निरंजन ट्वीट करछंती राजनैतिक उद्देश्य रखी एभली आक्रमण करा जायछि। बीजेपीर भूल नीति विरोध में कांग्रेस स्वर उत्तोलन करिबो। राज्य बीजेपी पाई कांग्रेस प्रतिबंधक साजिथिबारु एभली आक्रमण करा जायथिबा निरंजन कहछंती। एने बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती और प्रभारी पुरंदेश्वरी को प्रश्न करछंती निरंजन। तांका दल एभली काहीकि भीरु भली व्यवहार करुछि बोली से प्रश्न करछंती। राज्य कांग्रेस आपणक दल पाई किभली भयर कारण साइछि ताहा बुझी पारुतबा कहछंती निरंजन। मु आकु कोनोसी राजनीतिक चित्र दवाकु चाहेनी कि पुलिस वाला भी किछि कर परबे नै ए पिलागर भी किछि दोष नै। दोषटा हूँ मदर अत्यधिक मद्यपान करपरि कार्य करु आश्चर्य लगुच भर जी आरेस्ट हो बीजेपी वाला से गोटे सन्देह आज मोर प्रकाश पाँच ये कौन ये मदर प्रभाव ना ना तार सहित राजनीति किसी अच्छी ये लोक बीजेपी वाला केमती रखिंट तेणु आउ समस्ते धरा पड़ जातु प्रकृत घटनाटा धरा पड़ू। पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक को गाड़ी उपरे आक्रमण घटना रे जनकु अटक रखा जायछि। अभियुक्त संजय महांती को थाना रे अटक रखी पचराउचरा करा जायछि। अन्य अभियुक्तों को धरिबाकु टाउन थाना पुलिस तनाघना चलाइछि। केन्दुझर टाउन थाना पुलिस पक्षरु एने सूचना दिया जायछि। गतकाली काशीपुर निकट रे पीसीसी सभापति को गाड़ी उपरकु आक्रमण होइतिला। एने केन्दुझर टाउन थाना रे मामला रुजु होइतिला। निरंजन पट्टनायक कहितिले जे गाड़ी रे आसुवा बेले किछि युवक ओवरटेक करी अचानक तांको गाड़ी को रास्ता रे अटकाई थिले। पीएसओ जाई जेते बेले पचारी थिले कोन पई अटकाउ थिले गाड़ी को दुर्वृत्त माने बाडे थिले। आ एई समय रे एको एम्बुलेंस जाउथिवारो सुजोग नी से माने सेही आढुआल रे खसी जाई थिले। कांग्रेस नेता निज मत बदलैबारे उस्ताद। परी हत्याकांड घटन मध्य प्रथमे सरकार को धन्यवाद देले परे विरोध कले। जो पिला कथा कहउचंती से एबे बीजेपी रे नाही। निरंजन बाबू घटना को राजनीतिकरण करुवा बीजेपी विधायक मोहन बाजी कहउचंती सब मत परिवर्तन करबार उस्ताद अछंती। एठी काली जहा घटना घटिला मु जहा सुनिछि सेतरे से अभियोग कर निरंजन बाबू जे बीजेपी जड़े दायित्वान पिला ये सब कांड करी सब मिथ्या कथा कौन सी भारतीय जनता पार्टी आज दिन में से ना एवं संपूर्ण भाव में बीजेपी एवं ये प्रकार हिंसाकांड को भी केवे से प्रश्रय दिए ना तेणुक निरंजन बाबू जहाँ कहते हैं सब मिथ्या कथा केवल ये गोटे राजनीतिकरण करेंद्रझर जिले में कांग्रेस स्थिति लोप पाई जाइए ताकू बचापी हूँ तो निरंजन बाबू ये गोटे आक्टिंग करुवे सेमती किसी कौन प्रकार भारतीय जनता पार्टी तरफ कौन सी कार्यकर्ता सेमती लोक भी आमर ना जो ना से लेकिन अभियोग कर मिथ्या कथा राजनीतिकरण कररंजन बाबू। गोटे दिन अनुधान विरति पर आज ओडिशा रे पुणी स्वाभाविक चली टीकाकरण रविवार दिन टीकाकरण बंद रही बेले आज पुणी टीकाकरण चली तेज टीकाकरण केन्द्र संख्या बढ़ावा निष्पत्ति नहीं स्वास्थ्य विभाग समस्त मेडिकल कॉलेज रे 5टी सेशन रे टीकाकरण होउची प्रति घरोई और सरकारी मेडिकल कॉलेज रे एणिकी 5टी स्थान रे टीकाकरण व्यवस्था करा जिवो। द्वितीय दिन रे 380 सेशन माध्यम रे 31902 जन को टीकाकरण पई लक्ष्य रखा जाईची। आजिठु 25 तारिख पर्यंत 1698 सेशन रे 1,78,000 स्वास्थ्य कर्मी को टीकाकरण करा जिवो। पूर्वरु 13,890 लोकन को टीकाकरण करा जाईथिला केउ दिन केते सेशन रे टीकाकरण हेबो ताहा मध्ये निर्धारण 19 तारीख रे 192 सेशन रे टीकाकरण 20 तारीख रे 92 सेशन रे 21 तारीख रे 436 सेशन रे 22 तारीख रे 141 सेशन एवं 23 तारीख रे 178 सेशन रे टीकाकरण 25 तारीख रे 279 सेशन रे टीकाकरण हेबो। जे माने जे दिन टीका नैथिबे तार 28 दिन परे सेकेंड डोज नेबे सेति पई पर्याप्त टीका रहिछि सेहि समय रे 2 दिन पूर्वरु एसएमएस द्वारा जणाई दिया जिवो। हमर कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम 16 तारिख आरंभ होला। 16 तारिख दिन आम 161 टीकाकरण केन्द्र करूँ से 13,980 स्वास्थ्यकर्मी को टीका देलु। तापरदिन रविवार दिन आम बंद रही है जेहेतु आम बहुत स्वास्थ्यकर्मी टीका नहीं से ऑब्जर्वेशन रखी तेणु बंद था किंतु आज पुणी टीकाकरण कार्यक्रम आम चालू रही आमे आम पूरा राज्य में 380 टीकाकरण केन्द्र आज करूँ जो थी कि आम 31,900 जन को आम टीकादान कर लक्ष्य रखिचु आज एवं आज कार्य आरंभ करी 25 तारिख पर्यंत कार्य करी आम प्रथम पर्यायर समस्त को टीकाकरण करूँ तेणु आज आरंभ करी 25 तारिख पर्यंत आम 1,698 टीकाकरण केन्द्र करूँ सेसन करूँ से सेसन रे आमर जी स्वास्थ्यकर्मी अच्छा समस्त आम टीकादान करूँ। आमर टोटाल आम पाई कोविशील्ड 4,08,000 एवं कोभाक्सीन पाई आम 20,000 टोटाल 4,28,000 4,28,000 भितर आमर 10% रहा बफर आर वेस्टेज तेणु आ बाकी जहाँ टीका रहा आम दी भाग करी देलु। फर्स्ट डोज बर्तमान चलती सेकेंड डोज पे भी आम टीका आम पाखे रखिचु तेणु ता अनुसार आमर धार्य थिला लक्ष्य जे 1,92,555 जन स्वास्थ्यकर्मी को टीका देवार लक्ष्य थिला। बर्तमान 16 तारिख दिन आमर 13,980 जन को आम दे सारू आउ 1,78,575 जन रहिले आमर स्वास्थ्यकर्मी टीका नेबापे तेणु ए समस्त स्वास्थ्यकर्मी को संपूर्ण भाव टीकाकरण करने आमे आमर प्रतिदिन अनुसार आज आरंभ करी 25 तारिख पर्यंत कौ दिन केतोटी आम सेसन करूँ तामें प्लान कर देचु एवं से सेसन अनुसार आमर 25 तारिख दिन आम समस्त को टीकाकरण करदेबू। 28 दिन पर सेकेंड डोज ने भी आम टीका आम पाखे स्टोर रे अच्छी स्टेट वैक्सीन स्टोर आम रखीचु से 2 दिन आगुरी पाखक मेसेज जीव जे आपणकर टीकाकरण अमुक तारिख अमुक जगार अच्छी तेणु आपड़ आसबे ये जीव। रविवार दिन टीकाकरण बंद रही बेले आज पुणी टीकाकरण चली कैपिटाल हॉस्पिटल रे प्रथम व्यक्ति गुरुप्रसाद शतपथी आज टीका नहीं कैपिटाल हॉस्पिटल रो आईसीयू ड्रेसर भाबे काम करती गुरुप्रसाद आज कैपिटाल हॉस्पिटल रे 200 रु 300 जन को टीका देवाकू लक्ष्य रखा जायछि। टीकाकरण प्रथम दिन में गत शनिवार 156 जन टीका नहीं सेमानंक पाखरे किछि पार्श्व प्रतिक्रिया देखिबाकू मिलेनी। कैपिटाल हॉस्पिटल को कोवाक्सिन रो 10,000 डोज आसीथिबा कैपिटाल हॉस्पिटल निर्देशक कहिसंते लास्ट टाइम हम 156 जन को इंजेक्शन देथिलु। आज भी सरकार के निर्देशन अनुसार हम 200 रु 300 लोक को दवा व्यवस्था होती समस्त आम हॉस्पिटल कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी से सबू विपुल आयोजन भी कराई अधिक संख्यार नर्स अधिक संख्यार लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑब्जर्वर आउ सुपरवाइजर समस्त को मुतयन करा जायछि। आशा करा जाए आम 200 से 300 लोक आज इंजेक्शन दे पारू। मु तो नहीं सेकेंड इंजेक्शन आम जन विरंची नायक बोली जन स्वीपर नहीं फास्ट आपण सामना रे मु बसी 48 घंटा है आप देखुं मो पाखे किसी साइड इफेक्ट परिलक्षित ना एपर्यंत आ जिते भी नहीं से कौन सी कंप्लेन मो पाक एपर्यंत आसनी। आशा करा जाए एमती आउ जदि 48 घंटा पार है आउ किसी असुविधा हेनी। तेणु मु समस्त को कह बहुत परिमाण समस्त आगे आसवे गुजब को डरतु ना या सब मिछ कथा। सरकार गोटे सुचिंतित योजना यही सुपरिकल्पित गोटे माने प्लान प्रोग्राम एथिरे कौनसी विपद हबार आशंका नहीं। तेणु आपण कई सूचना मु दउछि समस्त आगवर ही टीका नियंतु। टीका ही अमोघ अस्त्र आम पई। आम पाखक कैपिटल हॉस्पिटल को आम टोटाल भुवनेश्वर मिसेकी 10,000 डोज आसीछि। आमर सेतु स्वास्थ्य कर्मचारी होछि कैपिटल हॉस्पिटल 1500। फर्स्ट डे हमारा 600 टारगेट थिला एंड हमें 611 लोगों को वैक्सीनेशन करी थिलु। आज ही हमार 24 सेंटर रे होछि एंड 24 सेंटर रे हमार पाखापाखि माइक्रो प्लान रे 3500 लोगों को देवा पाई प्लान अच्छी एंड सब जगह वैक्सीनेशन आरंभ हो जाइए एंड इट सीम्स हमें स्मूथली सब टारगेट को अचीव करूँ। नहीं फर्स्ट डे रे वी हैव नॉट गॉट एनी एडवर्स रिपोर्ट। एवरीवन इज फाइन। नहीं सफाई कर्मचारी आज गुड़ाए नौछंती प्रथम दिन भी नहीं थिले। गुड नंबर ऑफ सफाई कर्मचारी नहीं थे आज भी नौछंती एंड एवरी डे से माने किछि किछिटा कवर होउछंती। आमार 9,000 टार्गेट अछि पाखापाखी फर्स्ट फेज रे जते कि हमें वैक्सीनेशन पाइछु 9,000 लोगों को वैक्सीनेशन करा जिवो। टोटल 26टा लोकेशन अछि 26टा हॉस्पिटल कवर हेवे एंड से भितरे आज 24 जगह रे होउछि। बट सबू जगह रे 2 दिन 3 दिन ये बढ़िया वैक्सीनेशन कंटिन्यू करियो। आउ दुटा लोकेशन आज ही कवर नहीं किंतु नेक्स्ट डेट रे कवर अछि। 4 to 5 days भितरे हमें पूरा सारी देबो कंप्लीट कर देबो जो 9,000 हमें पाई छ। 24 रे इंक्लूडिंग प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हां ये 26टा भितरे हमार किछिटा प्राइवेट अछंती और कितेटा गवर्नमेंट अछंती सब मिक्स्ड हेई करी अछंती। सेपटे टीका नैथिबा कोनोसी व्यक्तिक ठारे पार्श्व प्रतिक्रिया देखा दे नाही। टीका नेबाकू भयभीत हेबार आवश्यकता नथिबा कहिसेंती डॉक्टर अशोक महापात्र। मु तो प्रथम टीका नेली आम यूनिवर्सिटी रे आ मते किछि लागिलानी मोर किछि प्रॉब्लम नाही। टीका नेबा परे से दिन मु प्राय राति 7टा जे काम कली ता छड़ा काली मु दिन 9टारू राति 9टा जे कार्यव्यस्त थिली आज मध्य काम करुँची। तेणु मो शरीर रे किछि वर्तमान जाए किछि प्रतिक्रिया आसीनी किंबा साइड इफेक्ट आसीनी किंतु कहार आसीबनी बोली कहबार माइनर रिएक्शन हेई पारे पेन हेई पारे टे स्वेलिंग हेई पारे। तेणु आमे डरबानी कारण टीका नवाटा निहाती दरकार। आम स्वास्थ्यकर्मी माने बहु मात्रा आसिकरी 100% टीका नियंतु। जेमती आपण कहले शनिवार दिन आमर 85% टीका नेले से दिन आम कम थिला। आमे आशा करवा आज 100% रु 100% लोक आसी टीका नियंतु। कृषकों ट्रैक्टर रैली को नहीं सुप्रीमकोर्ट रे सुनानी। सुप्रीमकोर्ट कहले पुलिस अनुमति रे रामलीला मैदान रे करि परिबे प्रदर्शन। यहाँ सहर को केते लोक आसीबे और केमिति आसीबे से निष्पत्ति करिबो पुलिस। प्रदर्शन नहीं बुधवार हेबो परवर्ती सुनानी। कृषक आईन विरोध में चाषी आंदोलन जारी रही। साधारणतंत्र दिवस रे कृषक माने ट्रैक्टर शोभायात्रा करने को योजना करिसेंती। आज यही प्रसंग रे सुप्रीमकोर्ट रे सुनानी होईची। साधारणतंत्र दिवस जातीय दिवस होइतिबारु एभली शोभायात्रा को अनुमति देबे ना ना से उपरे समस्तक नजर रही। कृषकों ट्रैक्टर शोभायात्रा को विरोध करी केंद्र सरकार सुप्रीमकोर्ट रे पिटिशन दायर करा। पिटिशन रे कहा जे शोभायात्रा जोगु साधारणतंत्र दिवस रे व्याघात सृष्टि हेबो। सेपटे 3 कृषि आईन प्रत्याहार दाबी रे आंदोलनरत कृषक संगठन कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। आसंता 19 तारीख रे पुणी केंद्र सरकार और कृषक संगठन मध्य आलोचना पाई तारीख धार्य होईची। हेले दाबी पूरण पाई 2024 मे मास जाए आंदोलन करने को कृषक प्रस्तुत बोली कहिसेंती चाषी नेता राकेश टिकायत। एथिसह जनवरी 26 रे कृषकों ट्रैक्टर रैली को बातिल करा जिवो नाही बोली कहिसेंती चाषी नेता। सेपटे केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहिसेंती चाषीक सह आलोचना करबा पई सरकार प्रस्तुत अछंती।